فأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اب تک کے مختصر سے سفر میں یورپ کے جتنے ممالک میں بھی जाने का मौका मिला है, ये एहसास ज़्यादा शिद्दत के साथ पैदा होता रहा कि ये कौमें एक मजमूए तजादात हैं। एक पहलू से दुनिया की तरक्कियां इनको नसीब हुई और अभी तक वो तरक्कियां इनको हासिल हैं, और एक पहलू से रूहानी और अखलाकी लिहाज से ये गिरते चले गए, यहाँ तक के उस आखिरी किनारे पर पहुँच गए हैं जिनसे आगे सजा व जजा का दौर शुरू होता है, मजीद आगे बढ़ने की मुहलत नहीं मिला करती। और ये जो पॉइंट है जहाँ पहुँच कर कौमें सजा व जजा के अमल में दाखिल हो जाती हैं, जिस्मानी तरक्की और मादी तरक्की का दौर भी वहाँ तक पहुँचा हुआ है, और ये दोनों सिमतों के नुक्ते मिलने वाले हैं। मादी तरक्की भी जब अखलाकी जवाबित से आज़ाद हो जाती है तो इंसानी तरक्की खुद उसकी तबाही के लिए इस्तेमाल होने लगती है। ऐसी मिसाल है जैसे किसी को ज़्यादा तेज़ रफ्तार कार चलाने की कुव्वत ना हो, उसकी महारत ना हो, और वो अपनी ताकत से बढ़कर तेज़ कार चलाने लगे। मादी तरक्की का तो कोई आखिरी किनारा नहीं है, खुदा ताला की कुदरतें बे इंतहा हैं, इंसान जितना कोशिश करेगा उतना आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन वो अखलाकी जवाबित जो बागडोर के तौर पर काम देते हैं, जब वो ना रहें तो माजी तरक्की खुद अपनी हलाकत के लिए इस्तेमाल हो जाती है। तो रूहानी और अखलाकी लिहाज से देखें तो वहाँ भी वो मंजिल आने वाली है जहाँ जाके कौमों को मज़ीद आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाती। और माजी तरक्की के लिहाज से भी देखें तो वो हथियार, वो खौफनाक हलाकतों के ज़राए जो मादी तरक्की के नतीजे में पैदा हुए, वो इस बात की खबर दे रहे हैं कि वहाँ भी आखिरी मुकाम आने वाला है। और दरअसल मौलिक हथियारों की इजाद ही इस बात के पेशकामा बन जाती है कि ज़रूर हलाकत सर पे खड़ी है, क्योंकि मौलिक हथियार दरअसल तस्वीर होते हैं अखलाकी तनज़ुल की। जितनी दुनिया में बेतमादी ज़्यादा हो और ये यकीन बढ़ता जाए कि कोई कौम भी काबिल एतबार नहीं रही, जिसको ताकत नसीब होगी वो तमाम अखलाकी जवाबित को कुचल के अपनी ताकत को इस्तेमाल करेगी, उस वक्त ये जंग शुरू होती है एक दूसरे से हथियारों में आगे बढ़ने की। कोल्ड वॉर है, एक ठंडी जंग है, लेकिन कभी दुनिया में ये नहीं हुआ कि ठंडी जंगें ठंडी रहें, लाजमन एक वक्त आता है कि वो गर्म जंगों में तब्दील हो जाती है। तो इन दोनों लिहाज से वो नुक्ते करीब आ पहुँचे हैं। और जहाँ तक अहमदियत का ताल्लुक है, अभी तक हम अपने फ़राइज़ की अदायगी में आगाज़ सफ़र भी पूरा नहीं कर सके। इस सारी दुनिया को झंझोड़ना, इसको जगाना, इसको इन बातों की तरफ मुतवज्जे करना, ये हमारा काम था। और हमारे काम से मुराद मुबल्लिगीन का काम नहीं है। कभी भी दुनिया में कौमें मुबल्लिगीन के ज़रिए तरक्की नहीं किया करती। मुबल्लिगीन तो सिर्फ याद दहानी कराने वाले मुज़क्किर होते हैं, बोझ सारी जमात उठाया करती है। सारी दुनिया में जो तबलीग की इस्लाम हुई है वहाँ कौन से मुबल्लिगीन थे जिन्होंने फतह किया है?
मुबल्लिगीन तो याद दहानी का काम किया करते थे, काम हकीकी काम तबलीग का अवामुन्नास ने किया है। चीन को किन मुबल्लिगों ने मुसलमान बनाया था, इंडोनेशिया को किन मुबल्लिगों ने मुसलमान बनाया था, हिंदुस्तान को किन मुबल्लिगों ने मुसलमान बनाया था। इंफरादी तौर पर कुछ ताजर थे, कुछ दरवेश बन गए खुदाए खुदा में, और आम मुसलमान जो फैला है वो अपने साथ इस्लाम लेकर फैलता चला गया। ये हिस्सा है जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिला रहा हूँ कि अभी हमने आगाज़ सफ़र भी मालूम होता नहीं किया। यूरोप की अक्सर जमातें जहाँ मैं जिनको मैं देख के आया हूँ, उनमें एहसास नहीं है, बेचैनी नहीं है, वो इस माशरे से इस हद तक राज़ी हो गए हैं कि उनको काम मिल गया और उनकी कई ज़रूरियात पूरी हो गई, और उस हद तक नाराज़ी हैं जिस हद तक उनके काम पूरे नहीं हुए या उनके राह में मुश्किल आयल हैं। लेकिन ये बेकरारी, ये बेचैनी, ये तड़प मैंने नहीं देखी कि हर शख्स बेचैन हो जाए कि मेरा मुआशरा तबाह हो रहा है और मुझे अल्लाह ताला ने नुमाइंदा मुकर्रर फरमाया है इनकी तकदीर बदलने के लिए। बज़ाहिर ये वैसी ही बात है जैसे टटीरी के मुतल्लिक कहते हैं वो टांगे ऊंची करके सोती है। किसी ने उससे पूछा कि ये क्या वजह है, उसने कहा मुझे ख़तरा यह है कि आसमान ना गिर पड़े और दुनिया तबाह ना हो जाए, इसलिए मैं टांगों को रोक लूँगी। हमारी मिसाल बज़ाहिर टटीरी की सी होगी, लेकिन हर वो छोटा सा दिल जिसमें यह फिक्र पैदा हो कि आसमान ना टूट पड़े और मैं उसे बचाने की कोशिश करूं, उसको ये भी तो मालूम होना चाहिए कि उसका खुदा उसके पीछे होगा। बज़ाहिर टटीरी है लेकिन उसके पीछे सारी कायनात के खालिक की कुव्वत मौजूद होगी। उस दिल को ताकत बख्शनी है उसने बख्शनी है, उसकी अमल को सहारा देना है तो उसने देना है, उसके वलवलों और अजायम को हकायक में तब्दील करना है तो उसने करना है। इसलिए दुआएं करते हुए अपनी कैफियत बदलने की कोशिश करें। जब तक आपकी कैफियत नहीं बदलेगी, हर अहमदी की जो यहाँ बस रहा है और एहसास नहीं पैदा होगा, वो तबलीग नहीं शुरू करेगा, इन कौमों की कैफियत बदलने की ख्वाब ख्वाब रहेंगे। आप हज़ार मस्जिदें भी यहाँ बना लें तब भी इनकी तकदीर नहीं बदलेगी जब तक हर अहमदी तबलीग ना करे और आगे मुबल्लिग अहमदी ना पैदा करे। सिर्फ एक ही कानून है जिससे कौमों की तकदीरें बदला करती हैं, और कोई कानून नहीं है। हर शख्स को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी। आपको अगर तबलीग नहीं आती तो कोई फ़र्क नहीं, आप पैगाम तो दे सकते हैं, आपके पैगाम के पीछे फिक्र और जज्बा तो हो सकता है, आप दुआएं तो कर सकते हैं साथ साथ, पैगाम दें, दुआएं करें, अल्लाह ताला आपको खुद राहें सिखाएगा तबलीग की, खुद मसाइल समझाएगा, आपकी मुश्किलात को सुलझाएगा। सब ताकत खुदा की है, हमारी कुछ भी नहीं है, इस एहसास के साथ मगर इस यकीन के साथ कि हमें फिर भी कुछ ना कुछ करना है, हम नहीं करेंगे तो खुदा की ताकत नीचे नहीं उतरेगी। इसलिए अल्लाह ताला आपको तौफीक अता फरमाए, यही मरकज़ बन जाए इस हकीकत का कि हर अहमदी मुबल्लिग है, तब भी जर्मनी के लिए कुछ मुकद्दर फिरने के दिन आ सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ भी ना बने और हैम्बर्ग में भी ना बने और फ्रैंकफर्ट में भी ना बने और स्विट्ज़रलैंड में भी कहीं ना बने, तो फिर ये मस्जिदें जो हैं सिर्फ वार्निंग का काम तो दे देंगी कि हमने ऐलान कर दिया, मगर जिम्मेदारी को अदा करने के फ़रज़ अदा नहीं कर सकते। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ